फोन आया था, लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे को कि जस्टिस सबको दी जा रही है, लेकिन हमको मुझे मालूम नहीं उसका फोन है, आप उसको प्रेजिडेंट है। तो फिर मैंने अपने गोपाल जी से बात की, फिर ऐसे ऐसे है बताने सबको दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रेडी जोन है जहाँ जम्मू के आई थिंक मैक्सिमम लोग आते हैं, 25% जो लोग हैं वो यहीं पर आते हैं। तो सबसे जब ये डिसाइड किया गया कि हम आपको ठीक है, फिर मैडम से बात की थी, हमने कल ही प्रोग्राम कर रखा था क्योंकि हमारा प्रोग्राम कल खत्म हो रहा था, लास्ट दिन कल एनवायरमेंट डे भी था, तो मैडम ने कहा लेकिन हम आज मांटे। तो मुझे जो लिस्ट दी गई थी वो 80 रेडियो की दी गई, तो 80 रेडियो में जो है मैं स्टोर से लाया हूँ, मेरे पास भी है, मैडम के पास रह जाएगी, तो उसकी मैं, लेकिन जो मेरा सेंटिस करते हैं जिसने मुझे 80 रेडियो की लिस्ट दी है, और उसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा मेरे को कि जब भी सुबह यहाँ से कोई भी निकलता है तो मेरे को यही शिकायत होती है कि रेडी वालों का जितना भी सामान होता है, जहाँ गाड़ी होता है, सुबह 5-6 बजे हमको दिखता है, कोई नहीं दिखना चाहिए। तो सब लोगों से कैसे बड़ा प्रेशर है मेरे पे, सब बता रहा हूँ कि आप उनको जान करो, फाइन करो, ये करो, वो करो, लेकिन मेरे को कैसे जब भी आप आपको जाओ सारा जो अपना गार्बेज है जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके हमारा ऑटो तो लगा हुआ है, हमारे आपके उनको दे दीजिए, अगर वो नहीं आते तो रखिए, सुबह दे दीजिए, लेकिन आप प्लीज़ जहाँ की रेडी है वहाँ बाहर गंद मत लाइए, क्योंकि फिर मजबूर हमें चालान करना पड़ता है, हम सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जब हमें कमीशन बोलेगा तो हमें चालान करना ही पड़ेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप लोगों की ये मेन डिमांड थी कि हमारे पास रेडी डस्ट नहीं है तो आज डेट में वो दिए जा रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद रखूँगा कि आगे से कभी भी रात को यहाँ पर जो है गार्बेज रेस्ट हुआ लोगों का नहीं पड़ेगा।